तो अपने जो समाचार पत्र देवे, समाचार पत्रों के बाद जो अगला टॉपिक है अपना, वह है हरियाणा के अंदर पत्रिकाएं। जैसे अलग अलग समाचार पत्र हमने पढ़े दे, ऐसे ही हमने पढ़नी है क्या भाई, हरियाणा की प्रमुख पत्रिकाएं, हरियाणा की प्रमुख पत्रिकाएं। कुछ पत्रिकाएं जिनको आपने ध्यान में रखना है भाई, हरियाणा की प्रमुख पत्रिकाएं। जैसे हमने समाचार पत्रों को याद किया था रिलेट करके, ऐसे ही याद करेंगे हम किसे, पत्रिकाओं को। बस आपने ध्यान से इनको देखते रहना है, साथ के साथ में आपके सारी की सारी क्या है ये याद होती रहेगी। तो जैसे आपसे पूछा था भाई हरियाणा के अंदर पहला समाचार पत्र कौन सा था, ऐसे ही पूछ सकते हैं हरियाणा के अंदर पहली पत्रिका कौन सी थी। तो हरियाणा की प्रथम पत्रिका, तो अगर आपसे पूछे जो हरियाणा है, हरियाणा की प्रथम पत्रिका, तो आपने ध्यान में रखना है जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था उसी वर्ष कब, 1966 में हरियाणा के अंदर एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका। तो यही पत्रिका क्या भाई, अपने हरियाणा की पहली पत्रिका थी। कौन सी, हरियाणा शोध पत्रिका। कब निकाली गई, 1966 में। आपसे पूछेंगे कहाँ से निकाली गई थी इस पत्रिका को, कहाँ से निकाला गया था पत्रिका को, रेवाड़ी से। कहाँ से निकाला गया था, रेवाड़ी से। हरियाणा की पहली पत्रिका हरियाणा शोध पत्रिका 1966 में, कहाँ से, रेवाड़ी से। उसके अलावा अपने हरियाणा के अंदर अलग अलग साहित्य अकादमी है, तो उन साहित्य अकादमियों के द्वारा अलग अलग पत्रिका है जो निकाली जाती है। तो आपने पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन सी अकादमी है, अलग अलग अकादमी है अपने हरियाणा के अंदर, तो उन अकादमियों द्वारा अलग अलग पत्रिका है जो निकाली जाती है। कौन कौन सी अकादमी है, देखो पहली अपनी कौन सी भाई, हरियाणा साहित्य अकादमी। हरियाणा की सबसे बड़ी जो अकादमी है वो कौन सी है, हरियाणा साहित्य अकादमी। तो इसके द्वारा कोई पत्रिका निकाली जाएगी उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर अलग अलग भाषा के लिए, जैसे हरियाणा है, हरियाणा में संस्कृत भाषा जो, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी, ये भी क्या करती है अभी अपनी एक पत्रिका निकालती है, ठीक है। उसके बाद अगली जो भाषा है वो पंजाबी है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। कौन सी अकादमी है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। इस अकादमी के अलावा जो अगली अकादमी अपनी वो कौन सी है, उर्दू साहित्य, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, ये भी अपनी एक अलग से क्या निकालती है, पत्रिका निकालती है। और कौन सी अकादमी है भाई, पांच अकादमी हरियाणा के अंदर साहित्य अकादमी, और अगली है हरियाणा ग्रंथ साहित्य अकादमी। तो पहले हम इन पांच अकादमियों के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जो पत्रिका है उन पत्रिकाओं को देखते हैं, उसके अलावा जो अन्य पत्रिकाएं हैं उन्हें देखेंगे। तो अपनी पांच साहित्य अकादमी हरियाणा के अंदर स्थित है, तो उन अकादमियों के द्वारा अलग अलग पत्रिकाएं निकाली जाती है। तो कौन सी अकादमी कौन सी पत्रिका निकालती है वो देखोगे, देखो कैसे भैया आप रिलेट कैसे करोगे। देखो पहली अकादमी कौन सी है, हरियाणा साहित्य अकादमी। आपने ध्यान में रखना है जो हरियाणा का साहित्य है, हरियाणा का जो साहित्य है उस साहित्य के अंदर कभी भी क्या है भाई, गंदा लिखा नहीं मिल सकता। तो क्या है, हरियाणा का जो साहित्य है उस साहित्य के अंदर कभी भी क्या नहीं मिलेगा, गंदा लिखा नहीं मिलेगा। तो कहाँ का, जो हरियाणा है, कहाँ का, हरियाणा का, हरी गंदा, कौन सी भाई, हरी गंदा साहित्य। जो पहली पत्रिका है कौन सी की भाई,
साहित्य अकादमी की। तो ध्यान में रखना, हरियाणा का जो साहित्य, साहित्य के अंदर कभी भी गंदा लिखा नहीं मिल सकता। तो हरी गंदा अकादमी जो पत्रिका वो कौन सी? हरियाणा साहित्य। दूसरी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी। आपने ध्यान में रखना, आपको पता है भाई संस्कृत अकादमी, जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? बहुत प्राचीन भाषा है। इस प्राचीन भाषा ने अपने भारत के ऊपर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी क्या डाला? बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। क्या डाला भाई? प्रभाव। किसने? संस्कृत ने। तो हरियाणा के ऊपर क्या डाला है? प्रभाव। तो अरी प्रभा, प्रभाव से प्रभा ले लोगे सिर्फ। संस्कृत ने क्या डाला है? बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है। प्रभाव से क्या ले लोगे? प्रभा। तो संस्कृत की पत्रिका कौन सी है? हरी प्रभा। ठीक है भाई, अगली, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। आपने देखा हो जो पंजाबी भाषा है, पंजाबी बोली है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। जैसे कोई पंजाबी बोलता है हमें कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है उनके जो शब्द है वो शब्द नहीं, हमें क्या लग रही है? बूंद लग रही है। क्या लग रही है? बूंद। जब भी कोई पंजाबी बोलता है तो उनके शब्द हमें कैसे लगते हैं? बूंद की तरह लगते हैं। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी शब्द बूंद, कौन सी पत्रिका निकलती है? शब्द बूंद। अगली जो पत्रिका है वो कौन सी अकादमी की है? उर्दू साहित्य। जो उर्दू है, जैसे हमारे पास एक नदी है, कौन सी भाई? यमुना। यमुना को ही क्या बोलते हैं? हमें जमुना बोल देते हैं। जो जमुना बोली जाती है किस भाषा में? उर्दू में। यमुना को उर्दू में क्या बोलेंगे? जमुना। क्या बोलेंगे भाई? जमुना। यमुना को क्या बोलेंगे? जमुना। किस भाषा में? उर्दू में। तो जमुना तट किस भाषा की है? उर्दू। हरियाणा साहित्य, साहित्य के अंदर कभी भी गंदा नहीं लिखेंगे। तो हरी गंदा। संस्कृत, संस्कृत ने क्या डाला है? बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। हरी प्रभा। पंजाबी, पंजाबी जब बोलते हैं तो उनके शब्द कैसे लगते हैं? बूंद की तरह लगते हैं, शब्द बूंद। उर्दू, यमुना को उर्दू में क्या बोलेंगे? जमुना, जमुना तट। उसके बाद क्या आपकी ग्रंथ है? कौन सी अकादमी है भाई? आपकी ग्रंथ है, जो ग्रंथ अकादमी है, इसके द्वारा जो आपकी पत्रिका निकाली जाएगी। अब आपको ध्यान में रखना है, जो ग्रंथ है, ग्रंथ लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। क्या लगता है भाई? समय लगता है। तो काल लगता है, समय लगता है। कितना समय लगता है भाई? सप्त संधु। काल, समय और सप्त संधु। तो आपने ध्यान में रखना, देखो जो ग्रंथ है, जो व्यक्ति क्या लिखेंगे भाई? ग्रंथ लिखेंगे। जो व्यक्ति क्या लिखेंगे? ग्रंथ लिखेंगे। ग्रंथ एक, दो या तीन दिन में नहीं लिखे जाएंगे। कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। तो कितने दिन लगेंगे भाई? सप्त। तो काल, समय और सप्त संधु। तो ग्रंथ, ग्रंथ लिखना एक दो समय, एक दो दिन की बात नहीं है, उसमें क्या लगेगा? बहुत ज्यादा काल लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। कितना? 7 दिन लगेंगे। तो सप्त संधु। तो अपनी क्या है भाई? 5 साहित्य अकादमी के द्वारा अलग अलग पत्रिका निकाली जाती है। ये पत्रिकाएं आपके सामने हैं। इनके अलावा और कौन सी पत्रिकाएं हैं जो हरियाणा से निकाली जाती है? देखो, इनके अलावा और जो पत्रिका निकाली जाती है, जैसे अपने पास क्या है? HBSC बोर्ड है। ये तो कौन सी थी? आपकी अकादमी की पत्रिकाएं थी। इसके अलावा अन्य पत्रिकाएं, अन्य पत्रिकाएं कौन कौन सी? जैसे पहली हरियाणा, हरियाणा विद्यालय, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड जो आपका HBSC है, इसके द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाएगी आपसे पूछेंगे। और जो आपके कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, KUK यूनिवर्सिटी है, कौन सी भाई? KUK यूनिवर्सिटी है। यह कौन सी पत्रिका आपकी निकालती है? और एक यूनिवर्सिटी अपनी कौन सी है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। क्या भाई? विश्वविद्यालय।
आपने तीनों को ध्यान में रखना है, HBSC के द्वारा कौन सी पत्रिका निकाली जाती है, KUK के द्वारा कौन सी निकाली जाती है, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा कौन सी पत्रिका है जो निकाली जाती है। तो देखो कैसे याद रखोगी, पहला कौन सा आपका HBSC है, कौन सा बोर्ड है HBSC, आप लोग याद कैसे रखोगे। देखो अगर आप लोगों को क्या देखना है भाई, HBSC के अंदर रिजल्ट देखना है, तो HBSC जो रिजल्ट देती है हमेशा कब देती है, शाम को देती है। HBSC रिजल्ट देती है कब, शाम को, तो कब देती है, संध्य शाम को, संध्य दैनिक, कौन सी पत्रिका भाई, दैनिक संध्य या द संध्य दैनिक, ठीक है। उसके बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है जो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो पत्रिका है अगर आपको ध्यान में रखनी है, तो कैसे ध्यान में रखोगे, अगर आप लोगों को करियर बनाना है किस यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, क्या बनाना है, करियर बनाना है, तो आप लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए, आप लोगों के अंदर क्या होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। किस चीज की, किस चीज की कला होनी चाहिए भाई, अगर आप लोगों को KUK से क्या बनानी है, अपना करियर बनाना है, तो आपको क्या चाहिए, कला चाहिए। क्या कला चाहिए, KUK के पेपरों के अंदर 360 नंबर लेने की कला। कैसी कला, अगर आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर क्या बनाना है, करियर बनाना है, तो करियर बनाने के लिए आपके पास कला होनी चाहिए, कौन सी कला, 360 नंबर लेने की, किसके अंदर है, KUK के पेपरों के अंदर। तो कला, निधि और करियर, और करियर 360, तो KUK की जो पत्रिका है, KUK के अंदर करियर बनाना है तो कला होनी चाहिए, कितने नंबर लेने की, 360, तो कला, निधि और करियर, ठीक है भाई। अगली जो पत्रिका, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, कृषि को क्या बोल देते हैं भाई, खेती बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, खेती। यहाँ पे क्या, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, हरियाणा में ही क्या बोलते हैं, हरियाणा में कृषि को बोलते हैं क्या भाई, खेती, तो हरियाणा खेती। तीन पत्रिकाएं HBSC, HBSC रिजल्ट देती है कब, शाम को, हर बार कब देती है, शाम को, तो दैनिक कब भाई, संध्य, तो दैनिक संध्य। KUK के अंदर करियर बनाना है तो कला होनी चाहिए, क्या लेने की, 360 नंबर लेने की, तो कला, निधि और करियर। चौधरी चरण सिंह कृषि, कृषि को हरियाणा में क्या बोल देते हैं, खेती बोल देते हैं, तो हरियाणा खेती। उसके अलावा भाई दो पत्रिका और है जो आपने ध्यान में रखनी है, एक तो है लोक सूचना विभाग, हरियाणा का कौन सा विभाग है भाई, हरियाणा का सूचना व लोक संपर्क, सूचना व लोक संपर्क, लोक संपर्क विभाग, हरियाणा का लोक संपर्क जो विभाग है, इस विभाग के द्वारा भी एक पत्रिका है जो निकाली जाती है। देखो अगर लोगों के साथ क्या करना है, लोगों के साथ क्या करना है, संपर्क करना है, लोगों के साथ क्या करना है, संपर्क करना है, तो हरियाणा को क्या करना पड़ेगा, हरियाणा को उनके साथ संवाद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, संवाद। तो संपर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा, सूचना व लोक संपर्क विभाग, संपर्क करना है किसके साथ, लोगों के साथ, तो उनके साथ क्या करेंगे, हमें संवाद करेंगे, तो हरियाणा संवाद। तो जो एक पत्रिका और है जो आपने लास्ट में ध्यान में रखनी है, अभी तक हमने कौन सी की है, पांच तो की है कौन सी, साहित्य अकादमी वाली, ठीक है, तीन की है शिक्षा वाली, और एक की है कौन सी भाई, विभाग वाली। एक आपने ध्यान में रखनी है कौन सी भाई, चांद मासिक पत्रिका, कौन सी है, चांद मासिक पत्रिका, कौन सी पत्रिका है, चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका। जो चांद मासिक पत्रिका है भाई, इस पत्रिका को निकाला गया था कहां से, अंबाड़ा से, कहां से निकाला गया था, अंबाड़ा से ये पत्रिका क्या होती थी भाई, प्रकाशित होती थी, कहां से,
अम्बाड़ा से ये पत्रिका क्या भाई प्रकाशित होती थी। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? इससे की गई थी भाई विशंबरनाथ, विशंबर नाथ के द्वारा क्या भाई ये कोशिका है जो प्रकाशित होती थी। तो इस पत्रिका के अंदर क्या भाई, इस पत्रिका के अंदर कुछ व्यंग्यकारी क्या है भाई जो चीजें हैं वो छपती थी किसके खिलाफ है? अंग्रेजों के खिलाफ। जो क्या थी भाई, जिसे बोलते थे दुबे की चिट्ठियां, दुबे की चिट्ठियां या दुबे के क्या भाई चिट्ठी। तो आपसे पूछेंगे दुबे की जो चिट्ठे हैं, दुबे की चिट्ठियां हैं, ये किस पत्रिका का भाग है? तो चांद मासिक पत्रिका। किसके द्वारा निकाली गई थी? विशंबर नाथ के द्वारा। कहां से? अम्बाड़ा से। तो हमने जितनी पत्रिका आपकी देखी है ये सारी की सारी पत्रिका आपसे बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। तो इसके अलावा हम क्या करेंगे, जितने भी आपकी ये पत्रिका हमने अभी की है इन सबके क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन करेंगे। जैसे हमने सारी की सारी पढ़ ली एक बार, तो इसके सारे के सारे क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे जितनी भी आपकी पत्रिकाएं हैं। तो देखो एक बार आपके जो क्वेश्चन थी, जो हमने पत्रिका की है भाई, उन पत्रिकाओं के अब तक जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप एक बार देखोगे, आपने जो रिलेट किया था सेम उसको ऐसे रिलेट करना है और आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो आपको याद मिलेंगे। देखो आपका पहला क्वेश्चन है हरियाणा की प्रथम जो पत्रिका है, प्रथम पत्रिका कौन सी है? जो प्रथम पत्रिका आपको पता है जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, कब? 1966 में। कहाँ से? रेवाड़ी से। कहाँ से भाई? रेवाड़ी से एक पत्रिका निकाली गई थी, कौन सी? हरियाणा शोध पत्रिका। कौन सी? हरियाणा शोध पत्रिका। तो हरियाणा की पहली पत्रिका पूछे तो पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। तो आपका जो पहला आंसर हो ये क्या है, हरियाणा की शोध पत्रिका। इसके अंदर दूसरी चीज देखो, दूसरा ऑप्शन है अरिभूमि, हरियाणा की भूमि, भूमि से क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। तो हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा? अरिभूमि। उसके बाद अगला है हरि प्रभा, प्रभा से मैंने आपको क्या बताया था, प्रभाव, प्रभाव डाला था किसने? संस्कृत ने। किसने भाई? जो संस्कृत है, संस्कृत के द्वारा क्या डाला गया था, जो प्रभाव है, प्रभाव पड़ा था संस्कृत अकादमी। अगला कौन सा? शब्द बूंद, जब पंजाबी बोलता है तो हमें उनके शब्द कैसे लगते हैं, बूंद की तरह लगते हैं। तो पंजाबी अकादमी, प्रभाव संस्कृत डालती है, अरिभूमि हरियाणा की भूमि की, हरियाणा की भूमि से क्या निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। तो हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो आपका एक ही बच गया कौन सा, हरियाणा शोध पत्रिका। तो ये क्या आपकी पहली पत्रिका जो हरियाणा से निकली थी, कहाँ से? रेवाड़ी से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वो क्या पूछ रखा आपसे, हरियाणा की प्रथम पत्रिका, हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से कब निकली? अभी आपको बताया कब निकली थी, 1966 में, जब हरियाणा पंजाब से क्या हुआ, अलग हुआ। तो ए जो आपका आंसर वो क्या है इसका राइट है भी, कौन सा? 1966 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी, आपको क्या बताया था, हरियाणा की साहित्य में कभी भी क्या नहीं है, गंदा नहीं लिखेंगे, कभी भी क्या भाई, जो गंदा है वो लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। हरियाणा की साहित्य में कभी भी क्या है, गंदा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो क्या भाई, शब्द बूंद, इसको देखो शब्द बूंद क्या है, पंजाबी बोलते तो उनके शब्दों में कैसे लगते हैं, बूंद की तरह। अरे प्रभा, प्रभाव किसने डाला, संस्कृत ने डाला। हरियाणा संवाद, संवाद किसके साथ करेंगे, लोगों के साथ। तो लोगों के साथ क्यों करेंगे, संपर्क बनाने के लिए। तो संवाद संपर्क विभाग, अरि प्रभा संस्कृत है, शब्द बूंद पंजाबी, हरि गंदा। तो क्या भाई, हरियाणा की साहित्य में कभी भी गंदा लिखा नहीं मिलेगा। तो यही आपका क्या है राइट आंसर, हरि गंदा पत्रिका। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन आपका वो है हरियाणा संस्कृत, संस्कृत ने क्या डाला, प्रभाव डाला। क्या डाला, प्रभाव डाला। हरि गंदा साहित्य में कभी क्या नहीं लिखा जा सकता, गंदा नहीं लिखा जा सकता। तो हरि गंदा तो कौन सी की है, साहित्य की। उसके बाद संवाद किसके साथ संवाद करेंगे, लोगों के साथ, लोक विभाग। शब्द बूंद किसके शब्द बूंद की तरह लगते हैं, पंजाबी के। तो प्रभाव वाली संस्कृत ने क्या डाला था, प्रभाव डाला था कौन सी, हरि प्रभा। अगला क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद है,
अगली कौन सी है? पंजाबी। अभी बताया पंजाबी बोलेंगे तो उनके शब्द कैसे लगते हैं हमको? उनके शब्द लगते हैं हमें बूंद की तरह। किसकी तरह है? बूंद की तरह। तो शब्द बूंद कौन सा भाई? शब्द बूंद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा उर्दू, हरियाणा के अंदर क्या है भाई? एक नदी गुजरती है कौन सी? यमुना। उसी को उर्दू में क्या बोलते हैं हमें? जमुना। उसको यमुना को क्या बोलेंगे? जमुना। तो आपकी जमुना तट कौन सी भाई? आपकी जमुना तट, ये क्या? उर्दू। उसके अलावा देखो अरी भूमि, वही हरियाणा की भूमि से क्या निकलेगी? मिट्टी। और हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है ये। तो हरियाणा की खेती, हरियाणा में कृषि को क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं। तो हरियाणा की कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा निकाली जाती है ये पत्रिका। संवाद, लोगों के साथ क्या करना है? संपर्क बनाना है तो उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनके साथ क्या करना पड़ेगा? संवाद करना पड़ेगा। तो हरियाणा लोक विभाग है। तो कौन सी पूछ रखी है आपसे भाई? पिछले वाला जो क्वेश्चन था आपका, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उर्दू अकादमी, जो उर्दू है कौन सी आपकी? जमुना तट। इसके अलग है जो सांध्य पत्रिका है, जो आपकी कौन सी पत्रिका है? सांध्य। सांध्य, सांध्य मतलब शाम को। शाम को रिजल्ट कौन देती है हमें? शाम को रिजल्ट देती है आपकी HBSC। ठीक है, हरिभूमि आपको बताया था, विजयानंद। जब आप लोग विजय हो जाओगे तो आपको क्या पड़ेगी? शांति पड़ेगी। किसकी? आत्मा को शांति पड़ेगी। तो आत्मा राम के द्वारा निकाला जाने वाला क्या है भाई? ये समाचार पत्र था कौन सा? विजयानंद। तो उर्दू में यमुना को क्या बोलते हैं? जमुना। तो ये क्या आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा विद्यालय, बोला आपको HBSC रिजल्ट निकालती है कब? शाम को, संध्या को। तो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है आपकी? संध्या दैनिक। हर बार जो रिजल्ट निकालती है वो कब निकालती है? शाम को निकालती है। तो आपकी कौन सी है? संध्या दैनिक। उसके अलावा जो अलग ऑप्शन आपके, देखो शब्द बूंद, कौन सी भाषा से हमको शब्द बूंद की तरह लगेंगे? पंजाबी। यमुना को उर्दू में क्या बोलेंगे? जमुना उर्दू। अरी भूमि कौन सा आपका? हरियाणा की माटी से निकलने वाला समाचार पत्र। अगला भाई, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा में कृषि को ही क्या बोलते हैं? हरियाणा में जो कृषि है, कृषि को ही क्या बोलते हैं? खेती बोलते हैं। कृषि को क्या बोल देते हैं? खेती। तो कौन सी? हरियाणा खेती। कौन सी पत्रिका भाई? हरियाणा खेती। ठीक है, उसके अलावा जमुना, यमुना को क्या बोलते हैं? जमुना। किस भाषा में? उर्दू में। तो उर्दू साहित्य। अरिभूमि, भूमि से क्या निकलेगी? मिट्टी। तो हरियाणा की मिट्टी से निकलने वाला राष्ट्रीय समाचार पत्र। हरियाणा संवाद, जो हरियाणा संवाद है, संवाद करेंगे किसके साथ? लोगों के साथ क्या करने के लिए? संपर्क बढ़ाने के लिए। अगला भाई, अगला क्वेश्चन ये आ गया वापिस से, कौन सा? सूचना एवं लोक संपर्क। संपर्क करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों के साथ संवाद करना पड़ेगा। तो कौन सी भाई? कौन सी आपका? हरियाणा संवाद। कौन सा? हरियाणा संवाद। अरी प्रभा, प्रभाव डालती है किसके ऊपर? प्रभाव डाला अपने ऊपर, किसका प्रभाव पड़ा है? संस्कृत का। उसके बाद भाई जो अगला आपका विशंबर नाथ, आपको क्या बताया था? जो विशंबर नाथ कौशिक है, अंबाड़ा से इन्होंने क्या निकाली थी? एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी? चांद पत्रिका। और उसी में से क्या छपते थे? दुबे के चिट्ठे या दुबे की चिट्ठियां। तो ये दोनों की दोनों किसकी थी? विशंबर नाथ की थी। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? इसका आंसर आएगा ए और बी, क्या आपका? बोथ। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन है, विजयानंद साप्ताहिक पत्र, जो पत्रिका ये किसकी है? आपको क्या बताया था? जब आपको क्या मिलेगी? जब आपको विजय मिलेगी। जब आपको क्या मिलेगी? विजय मिलेगी। तो आपकी आत्मा को, आपकी आत्मा को क्या मिलेगी? तब जाके शांति मिलेगी। तो विजय मिलने से क्या मिलेगी शांति? किसे? आत्मा को। तो आत्मा राम जैन। किसे भाई? आत्मा राम जैन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी, आपको क्या बताया था? हरियाणा केसरी है। केस का डर दिखा के आपको क्या बनाया जा सकता है? दास बनाया जा सकता है। बना से बनारसी, और क्या बना सकते हैं? दास, बनारसी। दास के द्वारा कब निकाली गई थी? आपको तीन पत्रिका बताई थी,
तीन समाचार पत्र बता दे कब है, 1956, 1957, 1958। 56 में विजयानंद, 57 में कौन सा, चेतना। यहाँ पे कौन सा बताया था, विजयानंद। विजय मिलेगी तो आपकी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति, आत्माराम। चेतना किसके अंदर, चेतना बहुत ज्यादा थी रवि के अंदर, तो रविंदर क्या बन गया था, नाथ बन गया था ज्यादा चेतना होने के कारण। और 1958 में हरियाणा केसरी, क्या भाई, हरियाणा केसरी। तो केस का डर दिखा के क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं क्या भाई, दास, बनारसी दास। ठीक है भाई, तो 1958 में निकली थी आपकी कौन सी, हरियाणा केसरी समाचार जो पत्रिका है। ठीक है भाई, ये आपके कुछ क्वेश्चन दे जो आपकी पत्रिकाओं से बन सकते हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है भाई।